हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिंपल्स किचन। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए मिठाई। मार्केट में बहुत सी वैरायटी आती है मिठाई की, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और ये बनाने में बहुत इजी है, जल्दी से देखते हैं इंग्रेडिएंट और फिर फटाफट बना लेते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए हमें चाहिए 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट्स, 100 ग्राम मेल्टेड बटर, 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, 1 कप दूध, कंडेंस मिल्क, 100 ग्राम नारियल का बुरादा, 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो सबसे पहले बिस्किट्स को क्रश कर लेते हैं। बिस्किट्स को हमने क्रश कर लिया, ये फाइन पाउडर बन गया। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कोकोआ पाउडर। मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही, इसलिए हम कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं। 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इनको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे बटर और इसको हाथ से गूंद लेते हैं। जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगा लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंद लेते हैं। तो ये बहुत ही कम दूध में हमने इसको मल लिया है। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं और एक साथ कर लेते हैं। तो ये हमने बाइंड कर लिया, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे हमने इसको गूंद लिया। इसको साइड पे रख देते हैं। अब ये जो हमने नारियल लिया है इसको एक बोल में डालते हैं और इसमें डालते हैं कंडेंस मिल्क और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये भी हमने मिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमने बिस्किट्स का आटा गूंदा है इसको एक फॉइल पे फैला देते हैं। फॉइल पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। और इसको हम फैला देते हैं। तो ये हमने फॉइल पेपर पे इसको फैला दिया। अब ये नारियल जो हमने लिया इसको भी फैला देते हैं। बहुत धीरे धीरे प्यार से इसको हम फैला देते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल अच्छे से फैल गया है। अब इसको हम रोल करेंगे धीरे धीरे।
इसको रोल करते जाना है और ये जो फॉइल है इसको निकालते जाना है, फॉइल को रोल नहीं करना। अब फॉइल में ही रैप करके हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए, फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। A few moments later. अब ये बिस्किट्स हमारे सेट हो गए, इसको खोल के देखते हैं और पीसेस काट लेते हैं। ये देखिए अंदर से जो हमने नारियल फिल करा था। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े जैसे भी काटना चाहो आप काट सकते हो। तो ये हमारी दिवाली की मिठाई रेडी हो गई। अब नेक्स्ट मिठाई जो मैं बनाने वाली हूँ वो हम बनाएंगे चने से। ये मेरे पास रोस्टेड चना है, व्हाइट चने जो मिलते हैं बिना छिलके वाले लिए मैंने 150 ग्राम। एक कटोरी मूंगफली, ये प्लेन वाली मूंगफली है रोस्टेड है ये भी। 100 ग्राम नारियल, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच कोकोआ पाउडर, 1/2 कप दूध, कंडेंस मिल्क, 1 चम्मच हम देसी घी यूज करेंगे और ये जैम लिया मैंने, ये मिक्स फ्रूट जैम है, ये हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले चने को हम मिक्सी में डाल के बीट कर लेते हैं। ये हमने इसका पाउडर बना लिया। अब ये जो हमने मूंगफली ली है इसको भी दरदरा पीस लेते हैं। आप चाहो तो मूंगफली की जगह बादाम वगैरह भी डाल सकते हो। इसको भी इसी में डाल देते हैं, चने के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, सब कुछ हमने मिक्स करना है। कोकोआ पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच हम घी डाल देते हैं और इसको दूध के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें भी हमने चीनी नहीं ऐड करी। अगर आप लोग ज्यादा मीठा खाते हो, तेज मीठा पसंद है, तो आप इसमें 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हो। तो इसको भी हमने गूंद लिया, इसको साइड पे रख देते हैं। जो हमने नारियल पाउडर लिया इसको एक बोल में ट्रांसफर करते हैं। इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क जितने में ये मिक्स हो जाए और इसमें डालेंगे जैम। दो चम्मच जैम डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क भी मीठा है और जैम भी मीठा है, इसलिए मैंने उसमें चीनी नहीं ऐड करी। फॉइल पेपर लेंगे, इसमें ऑयल ग्रीस कर देते हैं थोड़ा सा और ये जो हमने बैटर बनाया है इसको फैला देते हैं। बिस्किट्स वाली मिठाई हमने राउंड शेप काटी थी, ये हम स्क्वायर शेप काटेंगे। अब ये नारियल का जो हमने बनाया है बैटर वो हम इसके ऊपर फैला देते हैं। आप इसमें चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों को इलायची का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली। जैसे मार्केट में नारियल की बर्फी मिलती है ना, वैसा टेस्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल एकदम डिफरेंट।
अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। और अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में 10 मिनट के लिए, सेट हो जाएगा, फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। A few moments later. अब मिठाई हमारी सेट हो गई है, पीसेस काट लेते हैं। ये हम स्क्वायर शेप में काट रहे हैं, साइड्स हटा देंगे ताकि शेप अच्छी आए। तो ये होगी हमारी चने की बर्फी और ये होगी हमारी बिस्किट्स की बर्फी। तो ये बैठे हैं, सुबह सुबह इनको भूख लग जाती है। ऐसी मिठाई मैंने पहले बोला ना, तो आपने कभी मार्केट में देखी होगी और ना खाई होगी, एकदम ही डिफरेंट। दिस इज सरप्राइजिंगली वेरी वेरी टेस्टी और हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि चना तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है। और ये बिस्किट्स कुछ डिफरेंट है ना, मैंने पहले बोला था स्ट्रॉबेरी वाली इज वेरी टेस्टी। अच्छा, वो जैम वाली है ना। दिवाली पे आप भी घर पे इसको ट्राई करें, आपको बाहर से मिठाई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार आपकी दिवाली कुछ डिफरेंट होने वाली है और बनाने में भी बहुत इजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गिव अ बिग थम्स अप, घर पे ट्राई करें और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली।